हर इंसान का ही सपना होता है कि छोटा सा ही सही पर उसका अपना आशियाना हो, उसे किराए के मकान में ना रहना पड़े और वह अपने आशियाने को अपनी पसंद के मुताबिक सजा सके। लेकिन अफसोस, बेलगाम होती महंगाई उसके आशियाने के सपने को हकीकत में नहीं बदलने देती। महंगाई को तो हम कम नहीं कर सकते, इस पर तो हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कुछ आसान से टोटके और कुछ आसान से उपाय आपको अवश्य बता सकते हैं, जिससे आप अपने सपनों के आशियाने के इस सपने को साकार करने की राह को कुछ आसान जरूर बना सकते हैं। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बस तीन जरूरतें हैं। रोटी और कपड़ा तो हम किसी तरह जुटा लेते हैं, लेकिन सिर पर छत इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपना घर, जहाँ किराया ना देना पड़े और जहाँ मनमर्जी के मुताबिक रह जा सके, ऐसा एक आशियाना आपका भी हो, तो बस दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और आज की इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बता रहे हैं जल्दी अपना घर बनाने के लिए बोले ये दो अक्षर का मंत्र, सुबह होते ही अपनी आंखों से देखें चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये उपाय जो आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको एक मंत्र के बारे में बताएंगे और कुछ उपायों के बारे में भी बताएंगे, इन्हें करने मात्र से बहुत ही जल्दी प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब देरी ना करते हुए चलिए देखते हैं घर के लिए वो टोटके, जिन्हें करने से खुद का मकान लेने के रास्ते में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जल्द ही आपको प्रभाव से आपको खुद का एक आशियाना मिल जाता है। दोस्तों, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, इस उपाय को करने के लिए आप रोज सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी को दुर्वा यानी कि घास और एक लाल रंग का फूल चढ़ाया करें। इसके साथ ही 21 दिन तक लगातार गणेश जी से अपना घर बनाने के लिए, अपने मकान के बनाने के बीच में जो आपकी राह है उसमें जो अड़चने आ रही हैं, उसमें आने वाली हर समस्या के लिए निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करें और साथ ही ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप भी किया करें। दोस्तों, दूसरे उपाय में जो हम बता रहे हैं, इसके अनुसार कम से कम 5 मंगलवार गणेश मंदिर में जाकर के गणेश जी को गेहूं और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और साथ ही साथ ओम गंगौरीपुते नमः इस मंत्र का आपको 11 बार अवश्य जाप करना है। इस उपाय को करने से और इस मंत्र का जाप करने से आपकी सभी समस्याओं का निवारण होता है और आपके घर बनाने की राह आसान हो जाती है। अपना घर बनाने की चाह में आने वाली समस्या को दूर करने के लिए किसी भी मंदिर में एक नीम की लकड़ी का छोटा सा घर बना करके या फिर किसी से बनवा करके वहाँ दान कर दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपके घर के मकान बनने में, आपका अपना घर बनने में सफलता प्राप्त होती है। अपना घर बनवाने के योग को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन सफेद गाय और उसके सफेद बछड़े को लाल मसूर की दाल और गुड़ खिलाया करें। घोड़े को भीगी हुई दालें खिलाएं। इसके साथ ही रोजाना कोए को दूध में भीगी हुई रोटी को और तोते को सप्त नाज यानी कि 7 तरह का नाज मिला हुआ जो नाज होता है उसे डालें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है और आपके पितृ पक्ष भी मजबूत होता है। आपका पितृ आपका साथ देने लगते हैं, आपको आपके पितरों का साथ मिलता है तो आपके अपना खुद का मकान बनाने की राह बहुत ही आसान हो जाती है। अपने घर में पूजा करने की जगह या फिर ईशान कोण में एक मिट्टी का छोटा सा घर लाकर रखें, उसमें हर रविवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उसमें फिर उस दीपक जो खाली हो जाए उसमें 2 कपूर की टिक्की डाल करके उसे भी प्रज्वलित करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा उपाय करने से शीघ्र ही आपका घर बन जाता है। ये उपाय लक्ष्मी माता को सुपुर्द है यानी लक्ष्मी माता के लिए किया जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपको धन का आशीष देती हैं और बड़े से बड़ा कार्य इस दुनिया में धन से तो हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आप अपना स्वयं का घर बनाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या नवरात्र के किसी भी दिन या किसी भी अच्छे मुहूर्त में, जैसा कि आज अच्छा मुहूर्त है, इसमें एक लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदियां, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी और 6 कोड़ियां लपेट करके किसी भी नदी या बहते पानी में विसर्जित कर दें। लेकिन विसर्जन करने से पहले घर के मुखिया के सिर पर से क्लॉक वाइज 7 बार उतार लें। उसके बाद बहते हुए जल में या तालाब आदि के पानी में इसे प्रवाहित कर दें। इन चीजों के विसर्जन करते समय मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहें, बार बार बोलते रहें। यह टोटका करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जल्द ही अपना मकान बनाने की राह आसान हो जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी घर में चिड़िया या गिलहरी अपना घोंसला बना ले तो उस घर में सुख शांति, धन समृद्धि और धन प्राप्ति की जो राह है उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। इसलिए अगर वो आपको आपके घर में घोंसला बना देते हैं तो उसे हटाना नहीं चाहिए।
अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो वहाँ पर चिड़िया घोंसला बना ले तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और शगुन माना जाता है। दोस्तों अब उनसे चिड़िया से घर अपना बनवाना यह तो आसान नहीं है, लेकिन आप चिड़िया के लिए बाजार में मिलने वाले रेडीमेड घर लेकर आ सकते हैं और अपने घर के अंदर किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, जिससे कोई आसपास उड़ती चिड़िया उसे देखेगी और उसमें अपना आशियाना बसा लेगी। यह एक उपाय ऐसा है जिसे करने से, यह प्राचीन समय में चला आ रहा है, इसे करने से आपके घर बनाने की राह इतनी आसान हो जाती है कि आपको अगले ही दिन से असर दिखने लगता है। दोस्तों जिन लोगों को अपना मकान खरीदने या उसमें बनाने की इच्छा है लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो रविवार से शुरू करके रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाया करें। इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने से गोमाता की कृपा होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं की वासना होती है, उनका वास माना जाता है। गाय को गुड़ खिलाने से उन सभी देवी देवताओं का आपको आशीष प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपका मकान खरीदने में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चाहे वो परेशानी धन संबंधी हो या फिर किसी का लड़ाई झगड़ा हो या फिर किसी प्रकार से आ रही कोई भी समस्या हो, वह तुरंत ही दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी सिद्ध मंदिर यानी कि अच्छे मंदिर में उसके परिसर में जाकर के छोटे छोटे पत्थरों से एक छोटा सा घर बनाएं। घर बनाने के बाद वहाँ भगवान की पूजा करें और अपना घर बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। यह एक प्राचीन और चमत्कारी उपाय है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। यह उपाय करने से कुछ ही समय में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज तक जिस किसी ने भी इन उपायों को अपनाया है उन सभी का घर बन चुका है। तो दोस्तों ऐसे में आपको यही सलाह दी जाती है कि आप भी इन उपायों को अपनाएं या इनमें से कुछ उपायों को अपनाएं ताकि आपका घर बनाने की राह आसान हो सके और आप अपने खुद के आशियाने में अपने सपनों के घर में जाके बस सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देव इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते रहें जय बजरंगबली।